जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस समय मैं ऋषिकेश में हूं और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऋषिकेश में रुकने के लिए एक बहुत ही अच्छे धर्मशाला के बारे में जानकारी दूंगा। ये जो धर्मशाला है, यहाँ का जो रूम है बहुत ही अच्छे हैं। रूम का जो टैरिफ है, रूम का जो चार्जेस हैं, वो भी काफ़ी कम है। तो इस धर्मशाला से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर आपको एक धर्मशाला दिख रहा होगा, श्री बाबा काली कमली वाला, पंचायत क्षेत्र ऋषिकेश के नाम से ये धर्मशाला है। हालांकि जो बाबा काली कमली वालों के कई धर्मशाला ऋषिकेश में बने हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। ये जो धर्मशाला आपको दिख रहा है, ये मेन हाईवे में है। आप इसी के सामने से होते हुए राम झूला लक्ष्मण झूला पहुंचते हैं, तो आपको ढूंढने में भी बिल्कुल आसानी होगी। तो चलते हैं धर्मशाला के अंदर और इस धर्मशाला से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। अगर आप यहाँ के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि रूम का जो चार्जेस है, रूम कैसे हैं, रूम का मैट्रेस कैसा है, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सभी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि हर एक जानकारी आपको मिल सके। तो मैं पहुंच चुका हूं धर्मशाला के अंदर और धर्मशाला आप अंदर से देख सकते हैं। धर्मशाला में काफ़ी सफाई है, काफ़ी कुछ आपको बेहतर दिख रहा होगा, क्योंकि जो बाबा काली कमली वालों की धर्मशाला है काफ़ी पुरानी है, फिर भी इस तरह से इनको मेंटेन किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को रहने के किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, सफाई अच्छी हो, तो वो सभी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी हम यहाँ पर जो रूम्स हैं उनको देखेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करें। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस धर्मशाला के बारे में जानकारी मिल सके और वो ऋषिकेश कभी भी आते हैं तो यहाँ पर रुक पाएं। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर जो रिसेप्शन है, रिसेप्शन के पास कुछ यहाँ के जो रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ के जो रूम्स हैं वो देखेंगे। हर कैटेगरी के रूम मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, एसी, नॉन एसी, डबल बेड, ट्रिपल बेड, ये सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है रिसेप्शन, रिसेप्शन आप देख सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में और जो यहाँ के रूम है उनको देखते हैं। जो ये धर्मशाला है, इसके अगर आप छत पर जाते हैं तो सच में आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आसपास बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर आप इस धर्मशाला में रुकते हैं तो सबसे पहले बात खाने पीने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर दो तीन ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो कि ऋषिकेश के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट हैं, जिसमें से राजस्थानी भोजनालय करके एक शॉप है, बहुत ही फेमस है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, यहाँ पर लगभग 40 रूम के आसपास ऐसे हैं जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और रुकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ की बुकिंग कैसे करें, यहाँ पर कैसे आप रुक सकते हैं, क्या प्रोसेस है, सभी कुछ आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इसी तरह हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि सभी जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये डबल बेडरूम है, मैट्रेस पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही होगी और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रूम भी पूरी तरह से साफ है और मैट्रेस बहुत ही अच्छी लगी। और यहाँ पर देख सकते हैं रजाई भी एक रखी हुई है और ये भी एसी रूम है, तो काफ़ी अच्छा है ये रूम। और उसके साथ यहाँ पर बैठने के लिए एक छोटा सा सोफ़ा भी है। तो ये रूम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और जानते हैं इसका टैरिफ क्या है। यहाँ पर एक टेबल है, और अब आप इस रूम का जो वॉशरूम है उसको देख सकते हैं।
और गीज़र की सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। वॉशरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और इतना साइज़ होना ही चाहिए। दोस्तों, इस रूम का जो टैरिफ है, इसका जो प्राइस है, वो 600 रुपये में आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और ऋषिकेश में 600 रुपये में इतना अच्छा और साफ़ रूम, वो भी एसी वाला रूम, मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो उसको देखते हुए तो काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं, यहाँ पर जो और रूम है उनको भी देखेंगे। दोस्तों, आप चलते हैं एक और रूम को देखेंगे। ये 4 बेडरूम है और जैसे ही आप रूम के अंदर एंट्री करेंगे आपको 2 डबल बेड दिखाई देंगे। यहाँ पर एक चेयर भी है और यहाँ एक टेबल है और काफ़ी बड़ा रूम है और आराम से अगर आपके साथ 5 लोग भी हैं या 6 लोग भी हैं तो यहाँ पर रुक सकते हैं। ये एसी रूम है और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ की जो अभी तक आपने रूम देखे हैं उनमें जो मैट्रेस है वो काफ़ी पूरी तरह से अच्छी खासी साफ दिखाई दे रही है। कि जब कभी किसी रूम में आप रुको तो वहाँ पर जो मैट्रेस है, जो कंबल मिल रहा है, ब्लैंकेट और रजाई, वो पूरी तरह से उनका जो कवर है वो क्लीन होना चाहिए, तो वो यहाँ पर देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और इस रूम का जो चार्जेस है वो 1200 रुपये है। 1200 रुपये में अगर आपके साथ 4, 5, 5, 6 लोग भी हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। और अब देखते हैं इस रूम का जो वॉशरूम है, ये देख सकते हैं यहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट आपको मिलती है और वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, पत्थर लगा हुआ है और पूरी तरह से नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इस रूम में पता चला है कि गीज़र नहीं है लेकिन यहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था है, क्योंकि जो बगल वाला रूम है उसमें गीज़र लगा हुआ है और वहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई है। तो ये मत ध्यान दें कि यहाँ पर गीज़र नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको गर्म पानी की व्यवस्था मिलेगी, आप यहाँ पर गर्म पानी से स्नान कर पाएंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं, और यहाँ पर जो धर्मशाला की और क्या क्या सुविधाएं हैं उनको जानेंगे। दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ पर जो नॉन एसी रूम है उसको भी देखेंगे। तो अब मैं आ चुका हूँ सेकेंड फ्लोर में और सेकेंड फ्लोर के जो रूम हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर कुछ रूम ऐसे हैं जो नॉन एसी हैं। तो दोस्तों, ये है नॉन एसी रूम। जैसे आपने बाकी रूम्स देखे थे वैसे ही ये भी रूम नज़र आ रहा है। नॉन एसी ज़रूर है लेकिन इसकी जो मैट्रेस है पूरी तरह से साफ़ है। यहाँ पर एक अच्छी सी चेयर मिलेगी, जो चेयर क्या, एक सोफ़ा है, ये सिंगल सोफ़ा यहाँ पर मिलेगा। इस रूम में एक टेबल भी है और इस रूम का जो चार्ज है वो मात्र 400 रुपीज़ है। तो 400 रुपये में इतना अच्छा रूम मिल पाना ऋषिकेश में तो बहुत मुश्किल है। मैट्रेस आप देख सकते हैं, सबसे मेरा बार बार ध्यान मैट्रेस पे ही जाता है। जब मैं किसी भी धर्मशाला या आश्रम या होटल्स को एक्सप्लोर करता हूँ तो मेरा यही रहता है कि लोग जब यहाँ पर आते हैं तो रूम में आराम करेंगे, तो आराम करने के लिए सबसे मेन होता है कि मैट्रेस अच्छा होना चाहिए, और वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यहाँ पर एक विंडो भी है और विंडो के बाहर आप देख सकते हैं सुंदर पहाड़ों के व्यू देख सकते हैं। और इस रूम का जो वॉशरूम है उसको देखेंगे और वॉशरूम का साइज भी ठीक है। यहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट है और उसके साथ साथ ये देख सकते हैं गीज़र लगा हुआ है, तो कह सकते हैं यहाँ पर सभी रूम में गीज़र की व्यवस्था आपको मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 बेडरूम का सेट है, 3 बेडरूम है, आप इसको देख सकते हैं। एक यहाँ पर आपको डबल बेड दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर है एक सिंगल बेड। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये एसी रूम है, यहाँ पर एसी लगा हुआ है और एक विंडो भी है ताकि आप बाहर के जो व्यू हैं वो देख सकें।
ये ऋषिकेश और बद्रीनाथ हाईवे है और आप बेड देख सकते हैं, बेड पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है। बेड की जो चादर है, मैट्रेस पूरी तरह से साफ है। दोस्तों अब चलते हैं इस धर्मशाला की जो सबसे खास बात है, वो है यहाँ के बहुत ही सुंदर व्यू छत से देखे जा सकते हैं। तो धर्मशाला की छत पर मैं पहुंच चुका हूं और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पहाड़ों के व्यू आपको दिख रहे होंगे, हरे भरे पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। और इस तरफ ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे, मेन मार्केट है ऋषिकेश की, वो देख सकते हैं आप। इस तरफ अगर आप जाते हैं तो आप राम झूला लक्ष्मण झूला की ओर पहुंच जाएंगे और इस धर्मशाला की जो दूरी है वो राम झूला से लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास होगा, लक्ष्मण झूला की बात करें तो 4 किलोमीटर के आसपास होगा। और अब मैं आपको छत पर खड़े होकर पीछे पहाड़ों के जो व्यू हैं वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर ऋषिकेश के पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मुझे तो ये धर्मशाला काफ़ी बेहतर लगा और अच्छा लगा। अगर आप ऋषिकेश में कुछ ऐसी ही खोज में थे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसकी जो बुकिंग है वो ऑनलाइन हो जाती है, कलकत्ता में जो इनका मेन ऑफिस है वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके आप बुकिंग कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से कॉल कर सकते हैं। बात करें यहाँ से जो ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है उसकी दूरी लगभग 3 या 2 किलोमीटर के आसपास होगी, 2 से 3 किलोमीटर के आसपास होगी। और बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड मात्र 1 किलोमीटर के आसपास होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस धर्मशाला तक कैसे पहुंचा जाए। जैसे ही आप ऋषिकेश शहर में एंट्री करेंगे तो लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद कारगिल शहीद मनीष थापा द्वार के पास ये धर्मशाला स्थित है और बहुत ही फेमस जगह है। कारगिल शहीद मनीष थापा जो द्वार है वो मेन पॉइंट है एक तरह से, तो वहाँ पर ये धर्मशाला आप किसी से पूछ सकते हैं और आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों यहाँ की जो बुकिंग है, कई बार यहाँ पर जब रूम खाली होते हैं तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ से भी आसानी से बुकिंग मिल जाती है। और मई जून का ऐसा महीना होता है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, स्कूल कॉलेज बंद होते हैं, तब ज़्यादा से ज़्यादा जो बुकिंग है वो कोलकाता में जो उनका हेड ऑफिस है वहां से बुकिंग होती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।